ए स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस इधर क्या हो जाएगा, थ्री ए स्क्वायर, ये बी बी कैंसिल हो गया, अब प्लस टू बी स्क्वायर। चलो आगे करो। सर फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला है। हाँ फर्स्ट वाला नहीं है, सेकंड वाला। अब देखो ना ध्यान से, ये नीचे कट नहीं रहा, नहीं यहाँ पे क्या हो गया, ए पे पावर फोर बी स्क्वायर माइनस थ्री ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर। अब ये सॉल्व हो ही नहीं रहा है क्योंकि ये पावर फोर में आ गया है और नीचे स्क्वायर में आ गया, ये दोनों अलग अलग, यानी सारा अनलाइक टर्म है, कोई लाइक टर्म नहीं है, आपस में प्लस माइनस होगा नहीं, यानी मुझे पता चल रहा है कि हियर एक्स इक्वल टू ए बाई बी नोट इक्वल, इसको यहाँ लिख दो एल एच एस नोट इक्वल टू जीरो ना, एल एच एस नोट इक्वल टू आर एच एस, या सो एक्स इक्वल टू ए बी इज नोट ए सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि तो जीरो नहीं आ रहा था, ये पूरा क्या आ गया, ये आ गया। लेकिन अब सेकंड टर्म क्या है देखो, तो यहाँ पे सेकंड टर्म इधर ही कर देते हैं थोड़ा सा, एक्स इक्वल टू बी बाई ए, यानी एफ एक्स दिया हुआ है मुझे और एफ बी बाई ए पुट करना है, तो बी बाई ए पुट करके देखो जीरो आ जा रहा है, यानी सॉल्यूशन है, जीरो आ रहा है। अच्छा कल वेरिएबल टर्म को फाइंड करना सिखाए थे क्या, ये जो कॉफिशियंट यहाँ दिख रहा है वहां पे कॉफिशियंट में है ना के एम कुछ वेरिएबल टर्म दे दिया जाएगा, उसको फाइंड करना है। ये सर बताए। चलो इसको बनाना, ये वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन है, यानी इसका बी बाय ए वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा मेरा, जीरो बन जाएगा, यानी ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नहीं है। चलो इसको इरेज करते हैं, नोट कर लिया हूं। कुछ बोलिए आप लोग। यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री, इफ एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री एंड एक्स इक्वल टू माइनस थ्री आर रूट्स ऑफ द क्वेश्चन रूट ऑफ द इक्वेशन, क्वेश्चन है रूट ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। मतलब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वहां पे कहीं पे देखो ए और बी दिख रहा है, उसका वैल्यू निकालना है मुझे, कहाँ दिख रहा है ए और बी, यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, यानी इस ए और इस बी का वैल्यू बताना है मुझे, क्या क्या दिया है इसका सॉल्यूशन दिया है, इसका रूट्स पता है, पहला रूट्स ये है टू बाई थ्री, दूसरा रूट्स क्या है माइनस थ्री है, ये दो रूट्स दिया हुआ है, इस दोनों रूट्स के हेल्प से मुझे ए और बी का वैल्यू निकालना है, यानी पहले एफ टू रखो, एफ टू बाई थ्री रखो वैल्यू, फिर एक बार क्या रखो माइनस थ्री रखो, दोनों क्या होगा जीरो के इक्वल होगा क्योंकि इसका रूट्स है, और रूट्स क्या होता है पूरे इक्वेशन को जीरो बना देता है। एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो दिया हुआ है, फर्स्टली पहले क्या करो टू बाई थ्री रखो क्योंकि इसका रूट टू बाई थ्री दिया हुआ है, तो मतलब जहां जहां ए दिख रहा है, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां मुझे टू बाई थ्री रखना, यहाँ ए टू बाई थ्री का स्क्वायर प्लस सेवन टू बाई थ्री प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो टू बाई थ्री यानी टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, यानी फोर ए बाय नाइन प्लस सेवन टू जा फोर्टीन बाई थ्री प्लस बी इक्वल टू जीरो, एलसीएम लेंगे नाइन तो फोर ए
प्लस 14 3 42 प्लस 9b इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4a प्लस 14 2 प्लस 9b, 0 इंटू 9 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से 4a प्लस 9b इक्वल टू मुझे क्या मालूम चाहिए, माइनस 42। इसको इक्वेशन वन मान लो। जैसे हम 2/3 रखे हैं तो ये एक इक्वेशन बन गया a बाय बी के फॉर्म में, इसको इक्वेशन वन माने हैं। अब माइनस 3 वैल्यू पुट करो, फिर एक इक्वेशन बनेगा, उसको इक्वेशन टू रखो। यानी एक देखो तो कैसा इक्वेशन बना है, लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि दोनों पर डिग्री वन है ना, और दो दो वेरिएबल्स है, यानी लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बन गया। सेकेंड वैल्यू रखेंगे माइनस 3, फिर बनेगा लिनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते हैं फिर ए और बी का वैल्यू। आया ए और बी का वैल्यू तो बता सकते हो, सर ए का वैल्यू आया 3 और बी का वैल्यू -6। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -6। देखिए हम होस्ट अभी है नहीं, तो आप मैसेज कर रहे होगे तो हमको दिख नहीं रहा होगा, तो इसलिए हमको बता के बताइए बोल के कि कितना आंसर आ रहा है। पायल आपका आया ए का वैल्यू 3 और बी का वैल्यू -6। यस सर। चलो सही है, हो सके तो वीडियो ऑन करके दिखा दो, हम देख लेंगे कैसे बना रहे हो। साक्षी का दिख रहा है, बन रहा है, और बाकी और भी अपना वीडियो ऑन करके दिखाओ। श्रेया सर यही क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन, सृष्टि अंजना वाइज में दिखाओ कोई बना के। पल्लवी कुमारी अनन्या पायल, चलो ठीक है। एक का वैल्यू आ जाएगा 3, अब बी का वैल्यू आ जाएगा -6। देखो तो -3 का स्क्वायर 9, यानी 9a माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 21 प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब 9a प्लस बी इक्वल टू 21। ये हो गया इक्वेशन टू। इक्वेशन वन इक्वेशन टू को आपस में क्या करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन मेथड बताए थे चैप्टर 3 टर्न वन का। फोर ए प्लस 9b इक्वल टू -42, ये क्वेश्चन वन है। 9a प्लस बी इक्वल टू 21, ये क्वेश्चन टू है। माइनस, अच्छा इसको 9 से मल्टीपल करेंगे तभी 9b एक साथ हो जाएगा। सबसे बन गया ना सृष्टि, बनना बना ही रही हो अभी। और पल्लवी कुमारी सृष्टि का दिख रहा है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीबीएसई एग्जाम में 2016 और 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन। उसकर बन रहा है? यस सर। चलो ठीक, हाँ देख तो रहे हैं, ठीक है। अब देखो लगभग पहला टाइप हम खत्म कर चुके हैं। क्या क्या सीखे पहला टाइप में, पहले सीखे क्या कौन सा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है वो पता लगाना,
फिर दूसरा सीखे क्या, उसका सॉल्यूशन कौन कौन सा है, सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे थे। फिर तीसरा क्या देख सीखे अभी कि कोई वेरिएबल टर्म क्या रहेगा, कोफिशियंट क्या रहेगा, अननोन रहेगा, चाहे एक्स स्क्वायर कोफिशियंट अननोन है, यहाँ पे किसका कोफिशियंट है, कॉन्स्टेंट टर्म भी अननोन है, मतलब ए बी और सी तीनों में से कोई अननोन रहेगा, मुझे उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है वो आपका क्या रहेगा, वर्ड प्रॉब्लम टाइप का होता है, यानी एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसको हम है ना लास्ट में ले जाएंगे, अभी नहीं करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में कन्वर्ट करना, अभी हम है ना जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है यहाँ पे उसको सॉल्यूशन करना सीखते हैं। ठीक है, तो इसको इरेज कर रहे हैं, पर हेडिंग दे दीजिए सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप सॉल्यूशन जब इसका करना सीखेंगे तो इसका पहले देख लेते कितना मेथड है। पहला मेथड जो होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड जो होगा वो हम लोग है ना स्क्वायरिंग मेथड करेंगे, थर्ड एक फॉर्मूला बनता है वो देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड लिख दो फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई हम लोग क्लास 9th में एक्सरसाइज 3C में क्वाड्रिक पॉलीनोमियल्स को फैक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट किए थे, बस उसका एक स्टेप आगे यहाँ पढ़ना है। वहाँ इन नो इक्वल टू जीरो वहाँ नहीं करते थे, यहाँ इक्वल टू जीरो करेंगे क्योंकि ये इक्वेशन है। तो पहला क्वेश्चन मान के चलो दिया हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, इसको फैक्टराइज कर सकते हो? यस सर। हाँ, यही अगर इक्वल टू जीरो नहीं था तो क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था, और क्लास 9 में इसी को हम फैक्टराइज किए थे। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता था कि जो बीच वाला टर्म है उसको क्या करो, स्प्लिट करो, और ऐसा तोड़ना है इस दोनों को कि इसका प्लस माइनस होकर सिक्स एक्स पूरे, और इस दोनों का मल्टीपल इस दोनों के मल्टीपल के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये टूटेगा किस तरह से बताओ, इसका स्प्लिट किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस एक्स, देखो तो दोनों का सम क्या हो रहा है, सिक्स एक्स हो रहा है, और दोनों का मल्टीपल फाइव एक्स एक्स स्क्वायर, यानी इस दोनों का मल्टीपल क्या है, फाइव एक्स स्क्वायर, यानी सही है, प्लस फाइव या इक्वल टू जीरो लगा दे रहा है क्योंकि अब ये क्या बन गया, इक्वेशन बन गया है। इस दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, यानी एक्स प्लस फाइव, इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस वन, यानी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव और एक्स प्लस वन, हाँ एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। नाइन्थ में इक्वल टू जीरो नहीं कर रहे थे क्योंकि वहां से पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करना था, अब इस पॉलिनोमियल्स को क्या किया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया, अब इसका वैल्यू निकालना है, इसका रूट्स निकालना है। अब बताओ एक्स प्लस फाइव रखते हैं, ये फैक्टर को उधर भेज रहे इन टू में ये पूरा टर्म ना, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में जीरो बाई एक्स प्लस वन, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, माइनस फाइव। अब प्लस वन को, अब प्लस वन को रखते हैं एक्स प्लस फाइव को उधर भेजते हैं, यानी क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इक्वल टू माइनस वन, यानी सेकेंड रूट क्या हो गया, एक्स इक्वल टू माइनस वन। फर्स्ट रूट ये हो गया, यानी ये वैल्यू हो गया फर्स्ट, सेकेंड वैल्यू क्या हो गया, माइनस वन हो गया। तो यहाँ नीचे लिखेंगे दज एक्स इक्वल टू माइनस फाइव एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जी। ठीक है, नीचे ये लिख देंगे दज एक्स इक्वल टू माइनस फाइव एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन दे बनाने के लिए हो जाएगा। यस सर। चलो यहां क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, चुनौती 8x स्क्वायर
माइनस 22x प्लस 21 इक्वल टू जीरो। तो करके दिखाइए, 8x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 21 इक्वल टू जीरो। इसे कर रहा सब। अच्छा प्लस 21 दे दिए क्या, यहाँ तो माइनस 21 नहीं होगा तो प्लस देंगे तो। चलो यहाँ माइनस कर दो तो माइनस 21 आपको। बताओ अच्छा क्या क्या वैल्यू आया, 2x माइनस 7 और 4x प्लस 3। 2x माइनस 7 और 4x प्लस 3 वो फैक्टर आया, हम वैल्यू पूछ रहे हैं रूट्स। सर 7 बाय 2 और माइनस 3 बाय 4। 4 हाँ सर। एक बार क्या रखेंगे, 2x माइनस 7 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 7, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 बाय 2, इधर क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस 3, x इक्वल टू माइनस 3 बाय 4, तो दज x इक्वल टू 7 बाय 2 एंड x इक्वल टू माइनस 3 बाय 4 आर 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन 8x square minus 22x minus 21 equal to 0। क्लास 9th में हम लोग बस यहाँ तक फैक्टराइज करके रखे थे, अब 10th में क्या करना है, थोड़ा सा आगे इसको इक्वल टू जीरो करके उसका वैल्यू निकाल देना, वही वैल्यू उसका रूट्स भी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं यहाँ पे, करो तू थर्ड। नाइन एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2, इस तरह से स्प्लिट होगा। सर 1 बाय 3 एंड x बाय 2 आया है, माइनस 1 बाय 3, माइनस 1 बाय 3 हाँ, और 2 बाय 3, माइनस 1 बाय 3 हाँ हाँ, प्रियांजलि सिंह 2 बाय 3 हाँ, चलो सही है प्रियांजलि, 2 बाई 3 एक माइनस 1 बाई 3, चलो अभी जो है तुम्हारा भी सही है, माइनस कहीं लगा दो प्लस नहीं होगा। हाँ विराज आयु सोच सही है, माइनस 1 बाई 3 सोच सही है। अब यानी अब आप लोग सीख गए, अब तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं, ये टाइप 1 था फैक्टराइज का बच्चा वाला, अब क्या होगा टाइप 2। यहाँ पे देखो तो बी बी क्या था, याद करो तो बी क्या था,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बी क्या है? बी एक्स का कोफिशियंट है। ए क्या है? ए एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, और सी क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म। अब जो सर नेक्स्ट टाइप क्या रहेगा? हाँ, जो बी है ना वो बी जीरो रहेगा। जब बी जीरो होता है एक्स पूरा खत्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ एक्स स्क्वायर दिखेगा और एक कॉन्स्टेंट टर्म दिखेगा, तब बोला जाएगा क्या मुझे इसका फैक्टराइज कीजिए। मतलब क्या, एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं उसको बताना। एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। देखो तो यहाँ बी दिख रहा है, एक्स का वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है सर, यानी बी यहाँ जीरो हो गया, एफ बी खत्म हो गया। तो अब मुझे इसका फैक्टराइज करना, ये तो और इजी है, इसका करके बताओ क्या हो जाएगा। रूट्स तो दो होता है ना, प्लस माइनस थ्री। हाँ, तो एक प्लस थ्री एक माइनस थ्री, सिर्फ थ्री नहीं। तो इसको क्या करेंगे पहले देखो, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस नाइन हो जाएगा, क्या हो गया? प्लस नाइन, प्लस नाइन। फिर इसके बाद एक्स स्क्वायर टू क्या हो जाएगा? रूट नाइन, यानी एक्स स्क्वायर टू प्लस माइनस थ्री। तो लिख देंगे दस, एक्स स्क्वायर टू थ्री एंड एक्स स्क्वायर टू माइनस थ्री आर टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन इक्वल टू जीरो। कर सकते हो? इसको करके दिखाओ हम, यानी ये किसी न किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला होगा। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, या देखो तभी क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था ना, किसी न किसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का वो फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करके दिखाओ, एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का? इसको फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हैं, स्प्लिटिंग वाला मेथड वो भी लगा सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला ही बन रहा है। देखो तो किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये ए स्क्वायर यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिक्सटीन क्या ले सकते हैं, फोर का स्क्वायर, तो नीचे क्या बच गया, टू ए बी, तो ये माइनस है, तो माइनस टू, ए का वैल्यू क्या दिख रहा है एक्स, बी का वैल्यू क्या दिख रहा है फोर इक्वल टू जीरो, टू ए बी, यानी रिवर्स हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कर सकते हो? मतलब क्या, ये दो टाइम्स पावर दो है, यानी दो टाइम्स, यानी x माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यानी एक x का वैल्यू क्या हो गया फोर, और सेकेंड x का वैल्यू क्या हो गया फोर, यानी इसका दोनों रूट्स क्या है सेम सेम है। इस टाइप का हम क्यों कर रहे हैं देखो तो ध्यान से, ऐसा हम एग्जाम्पल क्यों लिए, बच्चा वाला एग्जाम्पल ले रहे, इसलिए ले रहे हैं कि आगे इसका हम यूज करेंगे। फर्स्ट जो पहला था उसमें दो रूट्स था, दोनों डिफरेंट था, टू रूट्स पहला निकालते थे, दोनों का वैल्यू क्या था, डिफरेंट था। फिर इससे पहले एग्जाम्पल लिए थे उसका भी टू रूट्स निकला था, लेकिन सेम था डाटा, क्या था, मैग्नीट्यूड सेम था, डाटा सेम था, लेकिन साइन डिफरेंट था। अभी तीसरा में क्या है देखो, तो टू रूट्स जो है डाटा प्लस साइन दोनों सेम है ना, यहाँ पे देखो प्लस फोर, ये भी प्लस फोर है। तो आगे ये सब का यूज करेंगे, देखेंगे कब सेम हो जाएगा, कब डिफरेंट होगा, कब प्लस माइनस होगा, ये सब आगे देखेंगे। एक आप थोड़ा घुमा के किस टाइप से देगा इसको करके दिखाओ, तो हमको एक्स वाई एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स, बहुत लंबा चौड़ा चला जा रहा है, छोड़ रहे तो फिर 34 बाई 15 ये आपको एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दिया है, ठीक है। अब बोला जाएगा क्या कि इसका रूट्स बताइए, क्या एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स बाय एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 34 बाई 15। यहाँ एक कंडीशन दे दिया, एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, यानी एक्स जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं जीरो होगा, ये इसलिए दे दिया है जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो जो जीरो एक्स का वैल्यू आ गया तो पूरा क्या बन जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा, इसलिए एक्स का वैल्यू जीरो नहीं दिया हुआ।
जीरो कभी नहीं आएगा। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ एक्स इक्वल टू माइनस वन, मतलब क्या ये माइनस वन अगर मान के चलो यहाँ पे पुट हो गया कि माइनस वन और प्लस वन क्या बन गया फिर जीरो बन जा रहा है, यानी ये दो वैल्यू कभी नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एक जीरो नहीं आएगा एक माइनस वन नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं होता, नॉट डिफाइंड कहा जाता है, ये नॉट डिफाइंड ना हो इसलिए कंडीशन दे दिया कि एक जीरो और माइनस वन ना होगा। अब इसका हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है और इसका रूट्स निकालना है। समय थोड़ा कम है तो चलो इसको हम बनाते हैं, फिर रूम पे आप लोग प्रैक्टिस करना। देखो तो यहाँ x प्लस वन है या x है, दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा x प्लस वन इंटू एक्स, ठीक है, ये x प्लस वन कैंसिल हो गया था, बचा सिर्फ क्या x, और x इससे x से मल्टीपल कितना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये x x यहाँ पे क्या हो गया कट गया तो बचा है x प्लस वन, यानी x प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू 34/15। अब देखो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये देखो एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, ये क्या हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तोड़ दो ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15। ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर दोनों आपस में ऐड हो जाएगा, दोनों लाइक टर्म है, क्या हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, और नीचे क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 34/15। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 15 यहाँ आके क्या हो गया पहले से क्या पड़ जाए टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया 34x² + x, तो अंदर मल्टीपल होता क्या हो गया 30x² + 15 + 30x, इधर मल्टीपल होता क्या हो जाएगा 34x² + 34x, सबको एक तरफ भेज दो, इसको इधर भेजेंगे देखो तो 34x² को शिफ्टिंग इधर करेंगे, इस 34x² को इधर शिफ्ट किए कि प्लस में है, इधर आके क्या बन जाएगा माइनस हो जाएगा, आई माइनस का वैल्यू क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस में आ जाएगा, तो शिफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या इसको ही उधर शिफ्ट कर देते हैं, कैंसिल एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, ये प्लस 30x² हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 30x² माइनस, मतलब इधर शिफ्ट कर, हाँ इधर लिख रहे हैं 34x² यहाँ पहले से प्रेजेंट है, ये 30x² इधर आ गया तो माइनस 30x², अब 34x पहले से यहाँ प्रेजेंट है और ये 30x उधर आ गया तो क्या हो जाएगा माइनस 30x, और ये प्लस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 15 इक्वल टू क्या हो गया जीरो, सारा टर्म उधर भेज देते इक्वल टू क्या हो गया जीरो, तो 34 में से 30 जाएगा तो क्या हो जाएगा 4x² इसमें जाएगा तो प्लस 4x² माइनस 15 इक्वल टू जीरो, देखो बन गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² प्लस 4x माइनस 15, बहुत बड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले कन्वर्ट किए, आप इसको क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, जो मेथड लगाना है या स्प्लिटिंग मेथड लगेगा तो स्प्लिटिंग मेथड लगा दो, तो क्या हो जाएगा 4x² बताओ प्लस 10x माइनस 6x माइनस 15 इक्वल टू जीरो, 2x कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लेंगे माइनस 3 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 5 यानी एक फैक्टर हो इक्वल टू जीरो, यानी एक हो गया 2x माइनस 5 और एक हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, यानी x का वैल्यू एक आ गया 5/2 और एक x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3/2, माइनस 5 जाएगा तो प्लस 5 और इधर 2 डिवाइड हो गया माइनस 3 उधर गया तो 3/2, लिख देंगे दज x इक्वल टू 5/2 एंड x इक्वल टू 3/2 और टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया हुआ यहाँ पे एक्स बाय एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स इक्वल टू 34/15, समझ में आया यस सर, और बाकी सबको यस सर, कुछ करना नहीं है, ये सब चीज आप 9th पढ़ चुके हो फैक्टराइज करना, लेकिन वहां पे कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, 3C एक्सरसाइज 3C था, हाँ
अब उसको एक स्टेप में बस यहाँ आगे करना है। तो एक क्वेश्चन हम होमवर्क छोड़ के जा रहे हैं, आप लोगों को बनाना है। एक्स प्लस थ्री बाई एक्स माइनस टू माइनस वन माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल टू 17 बाई फोर। बैटरी डाउन। अब देखो यहां पे बता तो क्या क्या नहीं होगा वैल्यू। एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जीरो आएगा तो पूरा नॉट डिफाइन हो जाएगा। और एक्स नॉट इक्वल माइनस प्लस टू प्लस टू प्लस टू, या टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। यस सर। माइनस वन तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। यानी दो वैल्यू नहीं आना चाहिए, एक जीरो नहीं आएगा एक टू नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड बन जाएगा। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा लेंदी बस वर्ड प्रॉब्लम है इसका, बाकी सब कुछ सिंपल है। सिस्टमिक ढंग से पढ़ेंगे तो इजी लगेगा। ये बुक बनाना नहीं, देखो एक्सरसाइज सब क्या हो गया। आर एस वन कितना नंबर चैप्टर है ये, कोई बता सकते हो देख के? फोर फोर